हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिस्किट। इसके लिए सबसे पहले 1/4 कप पिसी हुई शक्कर लेंगे और 1/4 कप घी लेंगे। रूम टेम्परेचर का घी है। शक्कर को मैंने पीस के छान लिया था, तो इस तरह से हमें इसे फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। 4-5 मिनट के लिए जब हम फेंटेंगे तो ये मिक्सचर काफ़ी लाइट हो जाएगा, इस तरह का क्रीमी हो जाएगा। तब हम इसमें आटा मिक्स कर देंगे, तो ये बिस्किट का कलर आप देख के समझ गए होंगे। इसमें मैंने डबल कलर लिया है और ये बहुत ही कम आटे में बन भी गए थे। 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उससे भी आधा यानी कि 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डाला है। इसे हम अच्छे से छान लेंगे और फिर ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स किया है। अब इसका हम दो पार्ट करने हैं। इसके पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जितना ये दूध डाल देंगे। दूध ये रूम टेम्परेचर का है। अब इसे मिक्स कर देंगे और आधा हम आटा लेके रख देंगे फ्रिज में। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना कोको पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस अब हमें इसे मिक्स कर देना है और इसे एक शेप देना है। इस तरह का मैंने फ्लैट कर दिया है हाथों से दबा के। ये मिक्सचर थोड़ा सा ये गीला है तो ये आसानी से हो रहा है। फ्रिज में से निकाल के मैंने ये वाइट वाला पार्ट भी इसी तरह से इसके ऊपर रख दिया है और थोड़ा सा दबा के इस तरह से फ्लैट करके रोल किया। ये आसानी से हो जाएगा इस तरह से। रोल करने के बाद में हम इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और फ्रिज में 10 मिनट रखेंगे, तो उसके बाद में ये इजीली कट भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इसकी अच्छी सी डिज़ाइन बन गई है। अब हम नीचे बटर पेपर रखेंगे और इसको बेक कर देंगे 180 डिग्री पे। 15 मिनट लगे थे, थोड़े से ये थिक है इसलिए 15 मिनट के बाद में मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से ये बेक हो गए हैं। रैक पे रख देंगे 2 मिनट के बाद में। एकदम गर्म हो तब आपको ट्रे में से नहीं निकालने हैं। अब ये देखिए कितने खस्ता बने, मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। इसकी डिज़ाइन भी देखिए,